आज से करीब 120 साल पहले 1903 में अमेरिका की लेवनवर्थ जेल में एक क्रिमिनल की एंट्री हुई जिसका नाम था विल वेस्ट। विल वेस्ट को देखकर उस जेल की जो क्लर्क थी वो बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि इसी नाम का एक बंदा दो साल पहले 1901 में इसी जेल में आया था। हैरानी की बात यह है कि उन दोनों मुजरिमों के सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनकी शक्लें भी बिल्कुल एक जैसी थी। अभी जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें जो लेफ्ट साइड पर आदमी है उसका नाम है विल वेस्ट और जो राइट साइड पर आदमी है उसका नाम है विलियम वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फोटोज दो अलग अलग लोगों की हैं। उस क्लर्क ने जब विल वेस्ट को ये पूछा कि क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर जब उस क्लर्क ने विलियम वेस्ट की फोटो विल वेस्ट को दिखाई तो उसने कहा हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन ये फोटो आपको कहाँ से मिल गई, मैं तो यहाँ पहले कभी आया ही नहीं। हैरानी की बात ये थी कि उसकी बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि विलियम वेस्ट दो साल पहले 1901 में इसी जेल में आया था और मर्डर के क्राइम में उम्र कैद की सजा काट रहा था। अब उन दोनों मुजरिमों की पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था फिंगरप्रिंट। जब उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर किया गया तब ये पता चला कि ये वाकई में दो अलग अलग लोग हैं। और यहाँ से शुरू हुई फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत, जो आज हमारे मोबाइल फोन्स को सेफ रखने में काफी कारगर है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।